हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलकम गुरुजी चैनल पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्त इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, आप सबका एक सवाल था कि क्या हम अपने एंड्रॉयड टीवी या फिर एमआई बॉक्स 4 के या फिर एंड्रॉयड टीवी स्टिक के अंदर फेसबुक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप फेसबुक को अपने एंड्रॉयड टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन कैसे तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, फेसबुक ऐप को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने एंड्रॉयड टीवी या फिर एमआई बॉक्स 4 या फिर एंड्रॉयड टीवी स्टिक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको एप्टॉयड टीवी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। एप्टॉयड टीवी ऐप को कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ऊपर हाई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, एप्टॉयड टीवी को इंस्टॉल करने के बाद आपने इस ऐप को यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने ऊपर सर्च पर क्लिक करना है और सर्च में आपने टाइप करना है फेसबुक। तो जैसे ही आप फेसबुक टाइप करके उस पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऐप्स की एक लिस्ट आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो फेसबुक ऐप है वो सामने नज़र आ रही है। आपने इसको यहाँ से ओपन करके इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो जब तक ये ऐप इंस्टॉल होती है दोस्तों, तब तक मैं आपको बता दूँ कि इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड टीवी या फिर एमआई बॉक्स 4K के बैक साइड में इस तरह का एक ब्लूटूथ माउस लगाना होगा। अगर आपके पास ब्लूटूथ माउस नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है सर्वरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड माउस। दोस्तों, ये ऐप लेटेस्ट फ़ोन में ही वर्क करेगी। अगर आपके पास कोई एक दो साल पुराना मोबाइल है और वो भी लेटेस्ट हार्डवेयर में तो ही ये ऐप वर्क करेगी। अगर आपके पास कोई 3-4 साल पुराना मोबाइल है तो उसमें ये ऐप शायद काम ना करें। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो फेसबुक ऐप है वो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। तो फेसबुक में आगे चलने से पहले आपको यहाँ पर एक बार इसको लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जल्दी से इसको लॉग इन कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस ऐप में आपका रिमोट काम नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको एक ब्लूटूथ माउस की ज़रूरत पड़ेगी या आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ माउस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर लॉगिन करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझको यहाँ पर माउस को ओपन करना पड़ेगा। तो माउस को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर नज़र आ रहा होगा। तो उस कर्सर को मैं यहाँ पर फ़ोन और ईमेल के अंदर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अब मैं अपने रिमोट के साथ टाइप कर सकता हूँ। तो मैं जल्दी से इस ऐप के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो सामने नज़र आने शुरू हो गए हैं। आप ऊपर स्किप के ऊपर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फेसबुक आपसे आपकी लोकेशन को एक्सेस करने परमिशन मांग रहा है। आपकी मर्जी, आप अलाउ करना है अलाउ कर सकते हैं या फिर डिनाई भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो फेसबुक है वो पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। अब इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको अपने जो ब्लूटूथ माउस एप्लीकेशन है उसके ऊपर 2 फिंगर्स को ऐसे रखना है और इसको ऐसे स्क्रॉल करना है। तो ये जो आपकी ऐप है वो अपने आप स्क्रॉल होती चली जाएगी। तो इस तरह करके आप या तो अपनी जो ब्लूटूथ माउस है उसका यूज़ करके इस ऐप को यूज़ कर सकते हो या फिर आपको फिजिकल ब्लूटूथ माउस का इस्तेमाल करना होगा इस ऐप को यूज़ करने के लिए। आप देख सकते हैं आप यहाँ से ऊपर वीडियोस पे क्लिक करके यहाँ से वीडियोस भी देख सकते हैं। मार्केट प्लेस पर आप क्लिक ना करें क्योंकि इससे आपकी जो टीवी की स्क्रीन है वो रोटेट हो जाएगी। आप यहां से पेजेस पे जाके अपने पेजेस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहां पे नोटिफिकेशन पैनल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह करके आप फेसबुक ऐप को अपने एंड्रॉयड टीवी या फिर एमआई बॉक्स 4K या फिर एंड्रॉयड टीवी स्टिक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।